नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अब री एग्जाम के आदेश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने री एग्जाम के आदेश किए, जिसके बाद आज आप बीसलपुर में युवाओं की खुशी देख सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ से प्रदर्शन को बल मिला था और यहाँ के युवाओं ने सर्वाधिक प्रदर्शन किया था। कई बार यहाँ पर तहसील और सीओ ऑफिस का इन्हीं युवाओं ने घेराव किया था और उसके बाद मांग की थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस का पेपर दोबारा से कराया जाए, जिसकी मांग पूरी हुई है। और आप देख सकते हैं युवाओं में किस तरह से खुशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि प्रताप है। हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई कि जिन लोगों ने नकल की थी और जो लोगों ने पेपर लिया था, आज उन लोगों के दिल टूटे हैं और हम लोगों की जीत हुई है और आगे हम लोगों की जीत होगी। और इस तरह से हम लोग एग्जाम दिया था और हम लोगों ने मेहनत करके एग्जाम जो दिया था, हम लोग 100 प्लस 110 115 तक पहुंचे थे और जिन्होंने एग्जाम का पेपर पहले से लिया उनको 140 नंबर से उन्होंने शुरुआत किया। आज उन लोगों के कहीं ना कहीं कमर टूटी है और आगे भी उनकी टूटती रहेगी। हम लोगों का प्रयास रहा और हमेशा रहेगा कि लोग। क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा मेरा नाम है सर। प्रमोद, किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं आप? खुशी सर बहुत महसूस हो रही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। जैसा यहाँ के युवाओं ने जोर दिखाया है, ये लखनऊ के ईडन गार्डन तक इको गार्डन तक गया है और काफ़ी ज़्यादा हम खुशी से खुश हो रहे हैं और ऐसे ही अगर प्रयास करते रहेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो। मिश्रा जी, क्या लगता है पेपर जिन लोगों की वजह से लीक हुआ उन पर कार्रवाई हो पाएगी क्या? कार्रवाई बिल्कुल होगी, योगी जी के साथ सख्त आदेश हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, अगर आगे चल के ऐसी समस्या फिर से आई तो फिर से वो कार्रवाई करेंगे। आप सरकार से खुश हैं? सरकार से बहुत खुश हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? दीपक लोधी। दीपक, क्या लगता है अब पेपर दोबारा से होगा, कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं? जो समस्याएं हुई थी वो समस्याएं फिर होंगी? खुशी तो है सर कि री एग्जाम हो रहा है दोबारा, लेकिन सरकार 6 महीने का वक्त दिए है, उससे पहले करा ले तो और बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि बच्चे थोड़ा इस चक्कर में हैं कि चुनाव है सिर पे, अगर चुनाव से पहले करा ले थोड़ा, कोई बात नहीं, 1 महीने का टाइम है चुनाव के अभी अंदर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर चुनाव के बाद में सरकार बदलती है यही रहती है, फिर थोड़ा भर्ती में थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा हो। चुनाव तो लोकसभा का, प्रदेश सरकार को। नहीं, वो बात सही है, वो तो बात सही है आपकी। उसके बाद में हम भी गए थे इको गार्डन और वहाँ हमारे जो टीचर लोगों ने इतना सहयोग दिया, उससे बहुत खुश है। हमारे सभी टीचरों को धन्यवाद जिन्होंने हमें इस तरह की राह दिखाई कि हाँ कैसे अपना हक मांगा जाता है। और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद जो हमारे री एग्जाम की मांग को सुना और हमें मतलब जो उसका फैसला अच्छा दिया। बिल्कुल आपने सही बात की, इस बार शिक्षकों ने पूरा प्रयास किया है और उनके प्रयास के बाद से कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? आप शिक्षक हैं और आपने भी यहाँ के युवाओं को जगाने का काम किया, बहुत बहुत बधाई आप। आपको भी सर, मीडिया का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा था सर, बाकी युवाओं की जीत है, शिक्षकों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और अब ये अब की बार मतलब जो एग्जाम हो वो काफ़ी ईमानदारी से होना चाहिए ताकि किसी के साथ किसी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। क्या नाम है आपका? जी जी, पवित्र कुमार। क्या लग रहा है आपको? जी, अब एग्जाम रद्द हो गया, बच्चों के लिए अब फिर से नई ऊर्जा के साथ तैयारी करनी चाहिए और क्रांतिकारी जीवन से निकल के फिर से एक अच्छे छात्र की तरह अपनी तैयारी को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए। और अभी काफ़ी समय भी मिला है तो जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारा जाए और यही है, अभी एग्जाम की डेट आएगी तो बाकी बच्चे अपना। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित, क्या लगता है एग्जाम दोबारा होगा, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि न्याय की जीत हुई और अन्याय की हार हुई और हम यही चाहते हैं कि अब जो एग्जाम हो दोबारा से तो उसमें किसी प्रकार की कोई नकल धांधलीबाजी ना हो, निष्पक्ष होना चाहिए। तो आपने देखा इस वक्त हमारे साथ बीसलपुर के युवा मौजूद थे जिन्होंने यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया था। एग्जाम लीक होने के बाद इन युवाओं में काफी गुस्सा था, काफी आक्रोशित थे, कई अधिकारियों से भी तीखी नोक झोंक हुई, कई बार मीडिया कर्मियों से भी इनकी तीखी नोक झोंक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़े और आज इन्होंने जीत हासिल की है। सभी को बहुत बहुत बधाई। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट पीलीभीत। एक बार क्या कहना चाहेंगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।